हमारा तभी फेस्टिवल पहली तारीख से शुरू हो रहा है, 1 मार्च से 4 मार्च तक है। पहले के जो 3 दिन हैं वो यहाँ पे अमर महल में होंगे और जो लास्ट डे है वो यूनिवर्सिटी में होगा। तो पहले दिन में हम लोग एनवायरनमेंट को लेके मेन फोकस दे रहे हैं। उसमें हमने एक एक्सपर्ट श्री माइक पांडे को बुलाया हुआ है। माइक जी जो है वो एक बहुत सुंदर प्रोग्राम चलाते थे डीडी में कॉल्ड अर्थ मैटर्स, और उसमें उन्होंने पूरा सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पहलू उन्होंने मैप किए हैं जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं। उसके अलावा हमारे अपने ही जम्मू के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर श्यामलाल हैं, प्रोफेसर श्याम नारायण लाल, वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हैं, लेकिन उन्होंने डोगरा रूल में जो जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स हुई थे, जो कैनाल सिस्टम्स बने थे जम्मू में, जहाँ से जो पानी लाया गया था सेंट्रल जम्मू के अंदर, जिससे पूरा एग्रीकल्चर बढ़ा था और उससे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क पड़ा था फॉर फार्मर्स, तो उसको लेके भी एक पेपर है कि हमारे काफी देर से ये रिफॉर्म्स चल रही हैं इन द अग्रेरियन फील्ड, इन एनवायरनमेंट। फिर आपका बट डॉक्टर करण सिंह जी जो हैं वो तीनों वो बताएंगे, वेलकम एड्रेस देंगे। उनको जोड़ा गया था टाइगर प्रोजेक्ट के साथ, जब टाइगर जो हमारे थे अर्ली 70s में ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, और वो बहुत एक सक्सेसफुल कंजर्वेशन की स्टोरी है। आज आप देखेंगे हर जगह पे आपको हर पार्क में टाइगर्स मिलेंगे, यू नो। सो ये एक कहानी है जो वो बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बाद प्रोफेसर परमिल जी हैं, ये बहुत कीन बर्ड वॉचर हैं, एवियन लाइफ के बारे में एक पेपर प्रेजेंट करेंगे, एंड उसके साथ हमारे फोटोग्राफिक एग्जीबिशन भी होगा पीछे। देन उस आफ्टरनून में हम लोग एक दूसरे पहलू से देख रहे हैं रिवर को, तो वो फोकलोर में कैसा है, हमारे डोगरी गानों में किस तरह से पानी के बारे में या रिवर्स के बारे में का वर्णन किया गया है, क्योंकि वही चीज है लेकिन सिर्फ साइंटिफिकली नहीं, लेकिन वो हर लोगों के जहन में बैठ जाती है वो बात, और किस तरह से वो पानी को लेके गाना गाते हैं, कहानियां होती हैं, ये सब उसके बारे में होगा, वो कृपाल सिंह जी बताएंगे हमें। और फिर पैनल डिस्कशन होगा कि हम करना क्या है, हमने किस तरह से जुड़ के और ग्रुप्स बनानी है और उसको किस तरह से हमें आगे लेना है। और उस शाम को एक इनॉग्रेशन होगा, आर्ट कैंप जो ऊपर चल रहा है, हमारे फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे लेकिन कोई 12 आर्टिस्ट हैं ऊपर, आप लोग देखेंगे उनको, उनका काम देखेंगे जो ऊपर बरामदे में है अमर महल में, जो अपना पेंटिंग्स कर रहे हैं। हमारा कोलेबोरेशन है विद द कल्चरल एकेडमी, और उसका एग्जीबिशन इनॉग्यूरेशन होगा, डॉक्टर सिंह जी करेंगे, भरत सिंह जी करेंगे, और फिर शाम को एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा यहाँ पे इसी जगह पे, स्टेज होगा, वो जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो डोगरी गाने गाएंगे, गजल गाएंगे, सूफी गाने गाएंगे, और वो पब्लिक को बिल्कुल ओपन है, तो जो भी आना चाहे उसको, उनको सुनना चाहे वो वेलकम है। तो वो तो पहले दिन का आपका हो नेक्स्ट डे जो गया। है हमारा हेरिटेज और कम्युनिटी का प्रोग्राम है, जिसमें हमने हेरिटेज को भी लोगों के साथ जोड़ा है, ये नहीं कि अलग से कोई फोर्ट है या अलग से कोई बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग को लेके लोगों का क्या आइडिया है, उस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है, वो उनके साथ जुड़ती है कि नहीं, एज अ पर्सन, एज अ यू नो अ कम्युनिटी मेंबर ऑफ दिस ऑफ जम्मू, हाउ डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। सो दैट इज द आइडिया कि हम लोग स्पेशली यूथ को जोड़ें, इसलिए इस बार हमने गरिमा जी के साथ बहुत अच्छा कोलेबरेशन किया हुआ है, और प्रोफेसर सुषमा सुषमा जी और हुज द अदर लेडी, सुमन सुमन जी, इनके साथ हमने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी स्टूडेंट्स को लिया है कि वो भी इस चीज को एक्सप्लोर करें। देन वी हैव रीजनल लिटरेचर ऑल्सो, बट वी आर हैविंग वन सेशन ऑफ डॉक्टर करण सिंह जी, 70 ईयर्स ऑफ राइटिंग। दिस जेंटलमैन, आई मीन आई ही इज माई फादर ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज क्वाइट अ रिमार्केबल पर्सन। ही इज नाउ 93 ईयर्स ओल्ड विद गॉड्स ग्रेस, एंड ही हैज बीन राइटिंग सिंस द एज ऑफ 23। तो उनके 70 साल हो गए, कई चीजें लिखी है उन्होंने, उपन्यास लिखे हैं, कॉमेंट्रीज लिखे हैं संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर, उन्होंने इंग्लिश में पोएम्स लिखी हैं, उन्होंने गाने लिखे हैं। सो दिस इज अ पर्सन हु इज वर्थ सेलिब्रेटिंग एक्चुअली, सो वी थॉट वी वुड हैव हिम एज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस लिटरेचर सेगमेंट। और उसमें फिर उसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगी ऑन विच ललित जी इज लुकिंग इन टू ऑन ट्रांसलेशन, रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस को लेके, स्पेशली यहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं, गोजरी है आपकी, पहाड़ी है, उर्दू है, डोगरी है, इनको हम कैसे लार्जर पब्लिक की तरफ ले जाएं, यू नो, इनका इनके जो उपन्यास है, पोएम्स है, इनको कैसे ले जाएं। आई थिंक डोगरी इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एंड रिच लैंग्वेज,
and a lot of people cannot access it. But if we translate it, have good translations of this work, of the works in Dogri. I think the only one who's been really well translated is Padma ji, Padma Sachdev. Baki bhi honge, lekin bahut gunjaish hai isme. And फिर हमें हमने ओपन माइक रखा है, तो जो भी आप में से कोई पोएट हो वो आके अपनी पोएट्री उस पर पढ़ सकते हैं. एंड इन द इवनिंग वी हैव अगेन अ पब्लिक प्रोग्राम फॉर पीपल, एनीवन कैन कम एंड एंजॉय दैट. उसमें हमने सीमा अनिल सहगल जी को रखा है. शी इज अ लेडी हु हैज एक्चुअली लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन बॉम्बे एंड देन हैज कम बैक, केम बैक टू लुक आफ्टर हर एल्डरली मदर. वो एक्चुअली शी सिंग्स क्लासिकल म्यूजिक, बट वो डोगरी भी गाती हैं और उन्होंने एक तवी स्तुति भी लिखी है, तो वो भी प्रेजेंट करेंगी वो. और फिर उसके बाद एक नटरंग का प्रोग्राम होगा, आपको पता है रंगारंग प्रोग्राम विद लॉट्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक विद ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रीजन्स यू नो ऑफ दिस एरिया. एंड द थर्ड डे आई वुड लाइक टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक. इट्स अ मेला, अ बिग मेला, जिसमें नाच गाना खाना पीना और खरीदने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि हमने औरतों को बुलाया है. एक उमंग एक संस्था है रानीखेत से, उत्तराखंड से, उनको बुलाया. वो बहुत सक्सेस स्टोरी है. उन्होंने उनको किसी ने शुरू कराया एनजीओ ने, लेकिन अब उन्हीं के हाथ में वो संस्था वो चीज दे दी है, तो वो खुद चलाती है. वो अपना एवी लाएंगी, बताएंगी कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी हुई है. और यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन हैं मेनली, उनके स्टॉल्स वगैरह होंगे. सो वी गॉट सम एंड बुकशॉप्स होंगी, डोगरी संस्था की डोगरी बुक्स होंगी, हमारा अपना म्यूजियम शॉप होगा. तो काफी इंटरेस्टिंग और अलग सा मेला होगा उसके लिए. और हाँ जी, हाँ क्राफ्ट्स होंगे वहाँ पे, एक लाइव क्ले सेंटर होगा जो एक हाँ जी बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो वहाँ पे वो क्ले की चीजें बनाई जा सकती हैं. सो आई कांट डिस्क्राइब टू यू, बट इट्स लास्ट ईयर वी सॉ समथिंग ऑफ इट, दिस ईयर वी थॉट वी मस्ट इम्प्रूव ऑन इट, एंड सो वी थॉट वी वुड गिव यू मोर टू एंजॉय. एंड द लास्ट डे द फोर्थ डे we have requested haan ji exactly in the morning there's a heritage walk which is going to be conducted by Kirpal Singh ji, who as you know is a national treasure. he is unko ye chappa chappa apne bilkul finger tips pe hai, aur agar aap unke sath nahi gaye abhi tak mubarak mandi to aapko zarur jana chahiye, because what he shows you is, and he will give you snacks to eat over there, he will talk to you, he'll sing, he will show you the back you know the side that you will never have seen before. So there's a heritage walk on that day also, and the last day is with the university. We are very happy to collaborate with you, Garima ji. This time we really thought we would be able to do something more by having student participation. So aapke jo media students hain wo to hain, sab piche baithe hue hain, and they are going to be our partners in this. They are also the interns. So when you want to ask anything about it, they will be there to show everybody around and tell them how it is. हम ये भी चाहते हैं कि उस time आप अमर महल का लुत्फ लीजिएगा, because lot of people have not been inside. They haven't seen what collections we have. Beautiful miniature paintings and the gold throne, of course, is there, and contemporary art is there, and there are many things to see inside there as well. And ये जो program university का है, इसमें मैं appeal करती हूँ actually to tour operators, trekkers, trekking companies, apart from just general people who are interested in wilderness and wildlife, and also you know going out into for treks and so on, because this is a wonderful half day program, half day workshop where we are educated as to how to be in the wilderness. Hum log jaate hain wahan pe, zor se radio chalaya, blasting music hai, apna cold drinks piye, wahi pe phenk diya, you know, and we leave, we have left the most horrible mark on nature. This is an attempt to regain our sensitivity toward this wonderful mother nature that is you know supporting us all. So I would really apart from the students of the university, I'd really appeal to the general public to attend this. Haan ji, iske liye koi ticket nahi hai, free entry hai aapko pure sab programs ke liye, sirf mele ke liye aapko ek nominal 30 rupaye ka ek ticket hai, kyunki wahan ke jo sab log bahar bahar se aaye hain unko bhi hame kuch dena hota hai. So apart from that, the evening programs are free, and all of you are welcome to attend. I also want to be very you know, I want to put it across that this is very much of a team effort. Exactly. ये जो press conference हमने curtain raiser किया, इसीलिए किया, इतना काम हो रहा है, कोशिश क्या है, कोशिश है जम्मू को जम्मू से जोड़ने की, तो उसमें आप लोग ही जो रोल प्ले कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता. जी, आपने बताया कि
आर्ट से लेके कल्चर से लेके लैंग्वेज से लेके लिटरेचर तक सब इसमें शोकेस होने वाला है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार अमर महल तवी फेस्ट के थ्रू सभी अलग अलग कल्चर का और कल्चर रूपी फूलों का गुलदस्ता इस बार लेकर आया है लोगों के लिए? आपसे बेहतर मैं भी नहीं कह सकती थी जिस चीज का आपने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया है। बिल्कुल ये सही है और वही आइडिया था हमारा शुरू से ही कि हम एक पहलू ना दिखाएं बल्कि सारे जो और इतना सारा अभी एक्सप्लोर करने को जम्मू में। जी मुझे लगता है कि हमारा ये करना ही एक मैसेज है और हम लोग सब जुड़ के कर रहे हैं। इस बार यूनिवर्सिटी है, कल्चरल एकेडमी है, अमर महल है, ये जैसे प्रोफेसर है, अपने पर्सनल लेवल पे भी और अपने स्टूडेंट्स को भी लाके सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारी अमर महल की जो डायनामिक वो है स्टाफ है वो भी जुड़े हुए हैं और आपके ये वेरी यंग एंड डायनामिक प्रदीप डॉक्टर प्रदीप जी जो है इन्होंने भी हमारा साथ लिया है और कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे हम अगले गोल्डन जुबली तक। एंड जस्ट से प्लीज विद ओपन आर्म्स प्लीज कम, वी कम फॉर द मेला, कम फॉर द परफॉर्मेंसेस एंड रियली एंजॉय इट बिकॉज इट्स फॉर यू, इट्स रियली फॉर यू।